नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बनाएंगे आम का अचार। फ्रेंड्स ये अचार खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और सबको बहुत अच्छा लगता है खाने में। दोस्तों यहाँ पर हमने 5 किलो आम को ले लिया है। आम को दोस्तों देख कर ही लीजिएगा, जिसमें कि आम में बिल्कुल भी दाग ना हो, फ्रेश आम होने चाहिए। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एक बड़े बर्तन में पानी भर के ले लिया है और इसमें सारे आम को डाल देंगे। अच्छी तरीके से आम को हम धो लेंगे। दोस्तों गर्मी के सीज़न में ये आम का अचार खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। दोस्तों सारे आम को हम अच्छी तरीके से धुल के एक थाली में निकाल लेंगे। पानी में से हम अच्छी तरीके से धुल के सारे आम को देखिए निकाल लिए हैं। अच्छी तरीके से हमने आम को धो लिया है। दोस्तों अब आम को हम एक कॉटन के कपड़े से पोंछ देंगे, जिससे कि आम में बिल्कुल भी पानी ना रहे। सारे आम को इस तरीके से हम पोंछ पोंछ के एक दूसरे बड़े बर्तन में रख लेंगे। देखिए सारे आम को हमने अच्छी तरीके से सुखा लिया है और एक चाकू की सहायता से इस तरीके से आम को हम काट लेंगे। दोस्तों आपके पास आम काटने वाला हो तो आप उससे भी काट सकते हैं। इस तरीके से इनके आम के बीज को हम निकाल देंगे और इनके बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेंगे। दोस्तों आप चाहें तो छोटे टुकड़ों में भी काट के आम को तैयार कर सकते हैं। हमने यहाँ पर इस तरीके से लंबे लंबे पीसेस इसके करके तैयार किए हैं। सारे आम को इसी तरीके से हम काट के तैयार कर लेंगे। दोस्तों ये आम का अचार बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। सारे आम के बीज को हम निकाल देंगे और आम के टुकड़ों को काट लेंगे। देखिए दोस्तों हमने सारे आम को काट के तैयार कर लिया है और इनको एक बड़े बर्तन में डाल लेंगे। बड़े बर्तन में डाल दिए हैं दोस्तों सारे आम को। फ्रेंड्स यहाँ पर हम 2 चम्मच हल्दी डाल देंगे। अच्छी तरीके से हल्दी को हम मिला देंगे और यहाँ पर 4 से 5 बड़े चम्मच नमक डाल देंगे। चारों तरफ से नमक को डाल देंगे और एक चम्मच की सहायता से इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स ये आम का अचार इस तरीके से बनाकर देखिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और सालों चलता है। दोस्तों अच्छी तरीके से नमक और हल्दी आम में मिला देंगे। हाथों की सहायता से इनको अच्छी तरीके से मिला देंगे ताकि आम में ये लग जाएं और एक बड़े बर्तन में इनको हम ट्रांसफ़र कर देंगे और सारी रात के लिए इनको ढक के रख देंगे। मिला देंगे अच्छी तरीके से और अगले दिन इनको हम पूरा धूप दिखाएंगे। देखिए दोस्तों सुबह से शाम तक इनको हमने धूप दिखाया है। अच्छी तरीके से ये सूख गए हैं, आप देख सकते हैं आम हमारे सूख गए हैं, इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं है। फ्रेंड्स आम का अचार आप एक बार इस तरीके से बनाकर ज़रूर ट्राई करिए। देखिए अच्छी तरीके से हमारे आम सूख गए हैं। आइए मसालों की तैयारी कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने 4 से 5 चम्मच राई, अजवाइन, सौंफ, जीरा, आधी चम्मच मेथी और आधी चम्मच कलौंजी को ले लिया है और पैन रख दिए हैं गर्म होने के लिए। सारे मसालों को हम पैन में डाल देंगे और इनको धीमी आंच पे चलाते हुए भून लेंगे। धीमी आंच पे इनको हम भूनते रहेंगे जिससे कि मसाले हमारे जले नहीं और इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे। मसालों को हमको अच्छी तरीके से भून के तैयार कर लेना है। दोस्तों आम के अचार में ज़्यादा मसाला नहीं पड़ता है, थोड़े से मसाले में ही आम का अचार बन के तैयार हो जाता है। चलाते रहेंगे मसालों को। फ्रेंड्स हमारे मसालों से अच्छी खुशबू आने लगी है। हमारा मसाला भून के तैयार हो गया है। इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। सारे मसालों को हमने निकाल लिया है और इनको कुछ देर के लिए ठंडा कर देंगे। इस तरीके से फैला के इनको ठंडा कर लेंगे और मिक्सी के जार में डाल देंगे दोस्तों और मसाला को अपने पीस लेंगे। ज़्यादा महीन नहीं करेंगे, ऐसे दरदरा ही रखेंगे इसको और सारे मसालों को एक प्लेट में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स इधर हमारा आम तैयार है। देखिए
अच्छी तरीके से ये सूख के तैयार हो गया है। दोस्तों इसमें हम मसाला जो हमने पीस के तैयार किया था सारे मसालों को हम डाल देंगे। सारे मसालों को हमने डाल दिया है। एक चम्मच इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे। दोस्तों यहाँ 4 से 5 बड़े चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। आप तीखा अपने मर्जी के मुताबिक रख सकते हैं। 4 से 5 बड़े चम्मच इसमें हम नमक डाल देंगे। दोस्तों पहले भी हमने नमक डाला था इसलिए ध्यान से ही नमक डालिए। इसमें आधी चम्मच खड़ा कलौंजी डाल देंगे जिससे कि अचार खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। दोस्तों इसमें हम 1 चम्मच अजवाइन डाल देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने आधी चम्मच हींग डाल दिया है। हींग से अचार बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। दोस्तों इसमें हम 1 बड़ा कटोरा सरसों का तेल का यूज करेंगे। सारे तेल को हम अचार में मिला देंगे। दोस्तों सरसों के तेल से अचार बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और हमने यहाँ पर कच्चा तेल ही यूज किया है। दोस्तों जो ट्रेडिशनल अचार होता है उसमें हम तेल पका के नहीं डालेंगे, इस तरीके से कच्चा डालेंगे जिससे कि ये बहुत ही अच्छा अचार बनकर तैयार होगा। सारे आम में अचार और मसाले को मिक्स कर देंगे दोस्तों और इनको अच्छी तरीके से मिलाते हुए सारे सामान को मिला देंगे। दोस्तों इनको हम अब 4 से 5 दिन धूप में दिखाकर आपको हम दिखाते हैं अचार अपना। दोस्तों देखिए 1 हफ्ते के बाद हमारा अचार कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। पूरा मसाला इसका पक गया है और आम बिल्कुल गल गए हैं। देखिए दोस्तों हमारा अचार बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।